हाय गाइस, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। और बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, हम लोग भाग 3 पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। भारत का मौलिक अधिकार क्या होता है, यानी कि फंडामेंटल राइट। हम लोग को 6 फंडामेंटल राइट मिला है, हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जिसमें कि हम लोग पहला मौलिक अधिकार पढ़ लिए, समानता का अधिकार, जिसमें कि 14 से 18 तक के अनुच्छेद के बारे में बात किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि 19 से 22 तक के अनुच्छेद इसमें पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल 19 के बारे में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि 19 में भी 6 प्रकार की आज़ादी हमको मिलती है, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं बनी रहती हैं हर पेपर में, चाहे वो PCS का ले लीजिए, UPSC का ले लीजिए। अगर UPSC का आता है दोस्तों, तो आपको 6 का 6 दे देगा और मैच करने के लिए बोलेगा, या फिर ऐसा करेगा कि बताइए स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, तो आपको बताना होगा 19 से लेकर 22 तक, यानी कि 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद आते हैं। और अगर पूछ लिया जाता है आपका जो पहला आपका अधिकार है समानता का अधिकार, उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, तो आप बताएंगे 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 5 अनुच्छेद आते हैं। इस तरह बाकी सारे आपके जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला हुआ है, सब में पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें 22 तक है, इसका अगला वाला जो है दोस्त शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें 23, 24 2 अनुच्छेद आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रिलीजियन से रिलेटेड है, आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसमें 25 से 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद उसमें भी हैं। तो इस तरह अनुच्छेद पूछा जा सकता है। सॉरी दोस्त, तो इस तरह आपको थोड़ा सा ध्यान देकर सारी चीज़ें केयरफुल्ली अच्छे से कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका दूसरा अधिकार, मौलिक अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि आप बताइए कि आपके स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बताएंगे 19 से लेकर 22 तक, यानी कि 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद हैं। हम लोग चारों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग केवल 19 के बारे में पढ़ेंगे। 19 में 6 मौलिक अधिकार हैं, सॉरी मतलब कि 6 स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, 6 स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें 7 था 1 निकाल लिया गया है, 19 1 6 संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है, इसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 में निकाल कर विधिक अधिकार बना दिया गया, 300 क में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 क में, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आज आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे राष्ट्रीय ध्वज लहराने का अधिकार है, तो यह जो हमारा संविधान में आया है इसका हम लोग देखेंगे पूरा अच्छे से, राष्ट्रीय ध्वज का क्या कंडीशन होता है, यानी कि कब बना था राष्ट्रीय ध्वज संहिता, कब आया था, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। और आपको थोड़ा सा हम सिखाएंगे इसमें 19(5) में जो प्रतिबंध लगाता है साधारण अनुसूचित जनजाति पर, या फिर कह लीजिए यह जम्मू कश्मीर में घूमने का जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं कुछ, क्योंकि इसमें हम लोग केवल संविधान के बारे में बात करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह नहीं, क्योंकि जो अलग क्लासेस चल रहे हैं वह चल रहे हैं, आप देखिए हिस्ट्री के चल रहे हैं, ज्योग्राफी का चल रहा है, मैथ का चल रहा है, रीजनिंग का चल रहा है, सारे क्लासेस, और प्लस एनटीपीसी वाले अगर हैं आप लोग, तो उसके लिए अलग से पेपर सॉल्यूशन भी चल रहा है, आप लोग देखेंगे करंट के मंथली वाइज वीडियो आ रहे हैं, आप लोग उसको देखिए फ्री में बिल्कुल दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आप लोग से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22, यानी कि 19, 20, 21 और 21 क है, इसके बारे में हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, और 22। अब देखते हैं वर्तमान में 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में बात कर रहा है दोस्तों, इसके पहले एक और था जिसको निकाल दिया गया है। अब देखिए कौन कौन सा है, 19(1), 19(1)(ग), 19(1)(ङ), 19(1)(च) को निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 19(1)(छ), ये सारे आप लोग नोट करेंगे कॉपी पे। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग करते हैं, देखिएगा 19(1) का में क्या कहा गया है दोस्तों, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आई मीन इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि आप बोल सकते हैं, आप अपने विचारों को रख सकते हैं सरकार के सामने, ठीक है, आप अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है उसके सामने बोल सकते हैं, या फिर कोई सरकार गलत कर रही है तो उसमें आप बहसबाजी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन होगा, अभी हम लोग आगे बात करते हैं।
बस आप लोग इतना नोट करिएगा, 19(1) का में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है भारतीय जनता को, ठीक है, याद रखेंगे भारतीय नागरिक को। इसमें पहला जो स्वतंत्रता है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता। आपको पता होगा प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की रिपोर्ट आती है हर साल, जिसमें कि हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट हो गया, और अलग अलग एजेंसियां अपनी रिपोर्ट बनाती हैं और प्रस्तुत करती हैं देश के सामने, पूरे विश्व के सामने। इसमें जो पहले रैंक पे आता है हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में, आता है आपका जापान। और इस बार का अगर देखा जाए, मतलब कि पिछले, अभी तो इस बार नहीं आया है 2020 में, 2019 वाले में दोस्तों, ठीक है, 2020 में भी आ चुका है दोस्तों, 81 था, अब 82वां हो गया। मतलब कि देख रहे हैं कैसी स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि आपको पता है इसमें प्रेस की स्थिति कैसी है, देखा जा सकता है। दिन भर एक ही चीज़ को लेकर बहसबाजी होती रहती है, ठीक है, मतलब कि उन पे भी कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार द्वारा, करंट का जो सरकार है हमारा, उसके द्वारा कुछ प्रतिबंध उस पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है, या नहीं कि कुछ भी बोल के निकल जाए, कुछ भी नहीं, मतलब लीगल ही बोलना है, इलीगल तरीके से अगर बात किया गया तो उस पे भी प्रतिबंध लग सकता है, जो कि हम लोग नोट में भी पढ़ेंगे ध्यान से। दूसरा है प्रसारण का अधिकार, मतलब कि कोई चीज़ जैसे न्यूज एजेंसियाँ होती हैं या फिर चैनल वाले होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, जो जनता के हित में होता है उसको दिखाया जा सकता है और उसके बारे में प्रसारण किया जा सकता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका अधिकार भी 19(1) के थ्रू मिलता है। और तीसरा जो है राष्ट्रध्वज लहराने का अधिकार, इसके बारे में विशेष तौर पे हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। मौन रहने का अधिकार, अगर आपको लगता है कि हमें सरकार के सामने नहीं बोलना चाहिए, हमें सरकार के सामने नहीं बोलना चाहिए, या फिर यह बातें अगर हम बोलेंगे तो गलत होगा, तो या फिर हमसे गलत चीज़ बुलवाई जा रही है, तो आप मौन रह सकते हैं, ये आपका अधिकार है, मौन रहने का अधिकार, ये आप लोग नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब देखिए 19(1) का, जो 19(1) का है इसको नोट के तौर पे लिखा गया है। जैसे 19(1) का के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो 19(1) का में नोट एक डाल लेंगे आप, 19(1) का लिखने के बाद उसके अंदर लिखेंगे, जो 19(1) का में उल्लेखित है अधिकार, उस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, किस अनुच्छेद के थ्रू, 19(2) के तहत, 19(2) के तहत सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखिए 19(1) में तो 6 तक है, और 19(2) के थ्रू पहले अधिकार पर, जो आपको 19(क) है, 19(1) का क है वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, इसमें जैसे कि अगर कोई एक्स्ट्रा बोलता है, कोई गलत चीज़ें बोलती है सरकार को लेकर, या फिर सरकार को लगता है ऐसी चीज़ें अगर बोली जाती हैं तो अफवाह के तौर पर फैल रहा है, विपक्षी पार्टी अफवाह फैला रही है, तो इस चीज़ें पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, तो इसको याद रखेंगे, यह 19(2) के तहत हो सकता है। अब देखिए हम कुछ बातें कर लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज लहराने के अधिकार को लेकर। तो आप लोग को पता है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज हम लोग का बहुत एक सम्मानित झंडा तिरंगा है, इसके लिए भी एक विशेष कानून बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया 2004 से पहले तक सिर्फ सरकारी विभागों, कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में ही तिरंगा फहराया जा सकता था। जैसा कि आपको पता होगा 2004 से पहले अगर पूछेंगे अपने पापा से, दादा से, जो भी कोई अधिकारी रैंक पे होंगे उनसे पूछेंगे तो ये चीज़ें पता चलेंगी आपको, बस वहीं पे इजाज़त था। लेकिन 2004 में भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल, भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हिंदुस्तानी को तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार है, और इसको उठाकर हम लोग मौलिक अधिकार 19(क) में डाल दिए, मतलब सरकार संविधान के 19(क) में डाल दी इस चीज़ को, तिरंगा फहराने के अधिकार को। तो याद रखेंगे 2004 के बाद सभी लोग फहरा सकते हैं। वहीं जब कोई विदेशी गणमान्य हमारे यहाँ घूमने आते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, दो उसमें ट्रंप कार्यक्रम के नाम से गुजरात के अहमदाबाद में चला था, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, स्टेडियम था, क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, वहाँ पर चला था। तो इसी तरह जब कोई विदेशी गणमान्य हमारे यहाँ आते हैं तो राष्ट्रपति, या फिर कह लीजिए अगर हमारे यहाँ भारत सरकार के वैन में, कार में बैठते हैं, तो लेफ्ट साइड यानी कि अगर देखा जाए लेफ्ट साइड उनका झंडा लगता है और राइट साइड भारत का झंडा लगता है, भारत का तिरंगा लगता है, हमारा तिरंगा महान है, तो हमारा तिरंगा राइट साइड लगता है, और विदेशियों का तिरंगा, जो लोग आते हैं घूमने, किसी देश के राष्ट्रपति PM, तो उनका झंडा लेफ्ट साइड लगता है, या एक नीति है, कह लीजिए एक आपका संविधान, सॉरी ध्वज संहिता के अंदर आ जाता है, ध्वज संहिता के अंदर यही चीज़ आती है। अब देखेंगे एक पिंगली वेंगटया, आपको पता होगा पिंगली वेंगटया ने 22 जुलाई 1947 को इसका डिजाइन किया था, और मतलब इसका डिजाइन तो पहले हो चुका था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने इसे एक तरह से कह लीजिए कि अपनाया, ठीक है, इसे मान्यता दिया पूरे देशवासियों के लिए, इस झंडे की मान्यता मिली, कब मिली, 22 जुलाई 1947 को, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अब देखिए संहिता के बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं कि हमारे देश के झंडे के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए देश के नागरिकों द्वारा। हमारे देश में
यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के थ्रू, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि ध्वज संहिता 2004 के थ्रू कुछ प्रावधान किए गए हमारे संविधान में कि यह चीज़ें अगर होंगी या फिर कुछ गलत चीज़ें होंगी तिरंगा के साथ, या फिर यह चीज़ें बताई गई नागरिकों को कि क्या हमारे झंडा के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, किस तरह का बर्ताव हम लोग करें, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर आप गलत तरीके से झंडे को फहराते हैं तो आपको जेल हो सकती है और यह जेल की अवधि 3 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है, 3 साल तक। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, अभी सुनते चलेंगे। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही बना होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी स्थिति में फटे या फिर क्षतिग्रस्त या फिर क्षतिग्रस्त जो मतलब कर लीजिए कि टूटा फूटा हो, फटा हो, उस झंडे को नहीं फहराया जाना चाहिए। ऐसा फहराया जाने, अगर कोई फहराता ऐसा पाया जाने पर उस पर उसके ऊपर प्रतिबंध या फिर कर लीजिए कठोर कानून लगाया जा सकता है, उसको जेल भी हो सकती है। तीसरा चीज़, तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप में। जैसा कि आपको पता है हमारा तिरंगा इस तरह बना हुआ है, ऐसे इसका जो लेंथ है दोस्तों ये 3 के रेशियो में है, मतलब 3:2 के रेशियो में, यह आप लोग जानते होंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हमारे तिरंगा का रेशियो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 3 रेशियो में और चौड़ाई 2 रेशियो में, 3:2, आप लोग इसको याद रखेंगे। झंडे का यूज किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या फिर कोई भी क्लोथ्स वगैरह, कोई भी कपड़े बनाने में नहीं करेंगे या फिर कोई सजावटी का सामान बनाने में नहीं किया जा सकता। इसका अगर प्रयोग करते हुए कोई नागरिक पाया जाता है, कोई देशी नागरिक पाया जाता है, अपने देश का राष्ट्र का नागरिक पाया जाता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, उसको कड़ी से कड़ी सजा भुगतना पड़ सकता है। झंडे पर कुछ भी बनाना, कुछ भी लिखना या फिर कोई भी चित्र कर बनाना पूरा पूर्णतः प्रतिबंध है भारत सरकार द्वारा। चौथा, किसी भी स्थिति में झंडा जमीन पर नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं जब जमीन पर गिरा हुआ होता है तो उसको उठाकर हम लोग को साइड में रख देना चाहिए या फिर किसी ऐसे जगह रख देना चाहिए जहाँ से वो पैर पे न लगे। पाँचवा, छठा चीज़ देख लीजिएगा क्रम आप, छठा चीज़, झंडा को केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही झुकाया जा सकता है, आधा झुकाया जा सकता है, यह भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगर शाम के समय लाइट नहीं है, शाम के समय अगर लाइट नहीं ना हो तो उस समय झंडे को अंधेरे में नहीं रखना है हमें, यह भी याद रखिएगा, यह भी हमारे ध्वज संहिता में लिखा हुआ है। किसी भी झंडे का राष्ट्रीय झंडे से ऊंचे, मतलब कोई भी झंडा अगर लगाया जाता है तो उसको राष्ट्रीय झंडे से, अगर अपने देश में राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है अपना, अगर कोई विदेशी झंडा भी लगाना है वहाँ पे, कोई बाहर से आ रहा है, तो अपने झंडे को ऊंचा रखेंगे, हमेशा ऊंचा रखेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ऊंचा ही रखना होगा, बराबर भी नहीं रखना है, उस झंडे के बराबर भी नहीं, हमेशा ऊंचा, ठीक है, और उसके नीचे रखना ही नहीं है हमें। तो यह चीज़ें थी झंडा के बारे में, कभी इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है यह संहिता, तो इसके बारे में नेक्स्ट कभी बात करेंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 19(1) के ख के बारे में, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, इसको आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग, यह अधिकार हम लोग को हमारा संविधान देता है, शांतिपूर्वक हम लोग किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं, बिना युद्ध के, बिना तहलका मचाए, बिना हड़ताल के, मतलब हड़ताल ऐसा भी हो जो कि बिल्कुल शांतिपूर्वक हो, बैठकर ऐसा ना हो कि डंडा गोजी लिए और भिड़ गए मारने पीटने, जिसके लिए कर रहे हैं उसी को मारने पीटने लगे, तो ऐसा करने पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन अगर आप शांति तरीके से अगर कर रहे हैं, कोई सी चीज़ की मांग कर रहे हैं शांति तरीके से बिल्कुल, तो वह चीज़ आपको आपकी पूरी होगी और वह इस अनुच्छेद में आएगा 19(1) के ख में। 19(1) के क में था दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको याद रखेंगे, और 19(1) के ख में शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार, दोनों आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें नोट के तौर पे यह बोला गया है अनुच्छेद 3 में, 19(3) में 19(1) के अंदर यह सब है, 19(1) में जो बोला गया था यह नोट आप लोग नोट कर लिए होंगे, और 19(2) में यह था दोस्तों, 19(1) के अंदर क से छ तक है, और 19(2) में इस पर मतलब इसके थ्रू हम नोट आपको बताएं कि प्रतिबंध लगा सकती है सरकार आपके वाक्य अभिव्यक्ति के अधिकार को। 19(3) के थ्रू यह बोला गया है दोस्तों कि राज्य जो है भारत के संप्रभुता, अखंडता तथा लोकप्रियता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अगर हम लोग किसी गैरकानूनी तरीके से तोड़फोड़ करते हैं और अशांति तरीके से हम लोग हड़ताल करते हैं, मारपीट करते हैं, तो सरकार प्रतिबंध लगा सकती है हमारे 19(1) के ख पे, ठीक है, किसके थ्रू, 19(3) के थ्रू 19(1) के ख पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार के थ्रू। देखिए बहुत ज़्यादा विरोधाभास हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग को आज़ादी दी जाती है, फिर उस पर प्रतिबंध भी सरकार ही लगाती है,
ठीक है, क्योंकि कुछ सोच समझ कर यह सारे प्रतिबंध बनाए गए हैं, तो आप लोग इसको नोट करेंगे अच्छे से और इसका पालन भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम के ही दृष्टि से नहीं, हमारे लाइफ के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। संविधान एक ऐसा चीज़ है। ठीक है, अब देखिए 19(1)(ग) अनुच्छेद 19(1)(ग) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(ख) में शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, 19(1)(ग) में संगत या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार। जैसे हम लोग पार्टी वगैरह करते हैं, पार्टी करते हैं, शादी ब्याह होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वह सब इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों। यह जो सहकारी वर्ड है दोस्तों, सहकारी वर्ड है, वह सहकारी वर्ड या फिर पूरी सहकारी समिति जो यहाँ पर लाया गया है, सहकारी समिति शब्द, वह 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में? 19(1)(ग) में। इसको आप लोग नोट करेंगे और इसके आगे एक नोट भी लिख लिए, क्योंकि हर अनुच्छेद का एक विरोधाभास है। पहले आज़ादी दी जाती है, फिर उसको सरकार के थ्रू प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यह हमारे संविधान का कह लीजिए एक तरह से अच्छी बातें हैं या फिर गुड़ है, यह कह लीजिए, क्योंकि पहले आज़ादी दिया जाएगा फिर उसके लिए प्रतिबंध लगाया जाता है कि कंडीशन लगा दिया गया, अब इसके बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है ना, अब देखिए 19 जो नोट आपका यह वाला है, इसके अंदर 19(4), अभी 19(2) देखे हम लोग और 19(3) देखे नोट 1 नोट 2 में, और 19(4) में यह कहा गया है जो अनुच्छेद 19(1)(ग) में है उस पर सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है। अगर आप लोग मान लीजिए बंदूक गोलीबारी लेके अगर किसी फंक्शन में जाते हैं, बंदूक छोड़ रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आसपास के पड़ोसियों को नुकसान होता हो, ठीक है, नुकसान हो रहा हो या फिर बहुत तेज बैंड बाजा ये सब बज रहा हो, तो इस पर सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, आपको रोक सकती है, आपको सजाएं भी हो सकती हैं इसके लिए, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं 19(1)(घ) में, अनुच्छेद 19(1)(घ) नोट करेंगे। संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध्य घूम सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं अपने पूरे, क्योंकि एकल नागरिकता हम लोग के पास है, तो राज्य जिस राज्य में भी हैं हम लोग पूरे देश में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी जा सकते हैं, साउथ इंडिया में भी जा सकते हैं, मतलब कहीं भी घूम सकते हैं आप, कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, क्योंकि यह हमें अधिकार है। किसके थ्रू दिया गया है? 19(1)(ग) अगर आपको कोई रोकता है या आप कहाँ जा रहे हैं, आपको यहाँ नहीं जाने देना है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि हमको हमारा संविधान अधिकार देता है कि 19(1)(घ) के थ्रू अधिकार देता है कि हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं। अगर किसी कारण से जा रहे हैं, किसी भी कारण से जा रहे हैं, उसको बताएं ना, क्योंकि यह भी अधिकार है हमारे संविधान में कि मौन रहने का अधिकार 19(1)(ग) में। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं दोस्तों कि मतलब कुछ भी आगे गलत हो सकता है, तो आप लोग समझदार हैं, आगे समझ रहे होंगे, आप लोग बस याद रखेंगे 19(1)(घ) में क्या कहा गया है। अब आते हैं 19(1)(ng) मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के से लिखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे तो जितने भी 6 अधिकार हमें मिले हुए हैं 19 के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्रम से लगाने की आ सकता है, UPSC PCS में यही आता है, क्रम से लगाइए, क्रमवार क्या है, या फिर आपका जो 19 यह वाला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कितने से कितने तक अनुच्छेद हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिए। 19(1)(ng) में यह बोला गया है दोस्तों, संपूर्ण राज्य क्षेत्र यानी कि भारत में निवास की स्वतंत्रता, अब ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निवास की स्वतंत्रता तो बोल दिया गया, लेकिन इसके पहले मतलब कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध था, जम्मू कश्मीर में कोई नहीं घूम सकता था, इस वजह से इस अनुच्छेद के अंदर अपवाद के तौर पर लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के सिवाय आप लोग कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखिए 19 नोट डाल के यहाँ पर लिखा गया है, 19(5) के थ्रू सरकार चाहे तो 19(1)(ng) पर प्रतिबंध लगा सकती है। कब लगा सकती है? जब वहाँ के आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे घूमने, निवास करने वाले जा रहे हैं, निवास करने वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि 19(1)(ng) में निवास करने की बात है, जब निवास करने जा रहे हैं और आपकी वजह से वहाँ की जनता परेशान होती है, वहाँ की अनुसूचित जाति परेशान होती है, वहाँ का माहौल डिस्टर्ब होता है, आप मान लीजिए कोई बड़े टेररिस्ट हैं, वहाँ पे घर बना लिए अपना, क्योंकि कहीं भी निवास कर सकते हैं, यह हमारे संविधान का एक अंग है, हमारा संविधान हमें आज़ादी देती है, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी निवास करा सकते हैं, अपना डोमिसाइल कहीं का भी हो और निवास हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे, तो इसको सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, कुछ कारण है, जैसे आप गए कहीं रहने लगे और आप वहाँ पे तोड़ फोड़ या फिर कह लीजिए कि आप टेररिस्ट हैं, गोलाबारी या फिर कहीं जा रहे हैं रात में, दिन में जा रहे हैं, पूरी रात भर पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, पता नहीं चला, रात में आ रहे हैं, तो आसपास के पड़ोस लोगों को परेशानी होगी, दिक्कतें होंगी, तो अगर वो पूछते हैं कभी आपसे, अगर आप नहीं बताते हैं, तो वह लोग क्या कर सकते हैं, स्थानीय लोग
आप पे कंप्लेन कर सकते हैं, और आप पे सीबीआई जांच हो गया, कोई भी जांच हो गया बैठेगी, और आप पर जो अगर पाया जाता है आपको गलत, तो आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको उस वहाँ से निकाल कर जेल भी, या फिर आपको जहाँ पे आपकी डोमिसाइल है वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो नोट 5 में यही लिखा गया है कि 19(5) के थ्रू सरकार चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो, राज्य क्षेत्र चाहे तो, जिस राज्य में आप फंसना चाहते हैं वह 19(1) अंगम को बैन लगा सकती है पर्सनल के लिए, ठीक है ना। अब 19, अब देखिए इसमें जम्मू कश्मीर की बातें आई हैं, तो कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में। आप लोग को पता होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बातें आते ही धारा 370 और 35A की बात सबके दिलों में घर कर जाती है, एक तरीके से सबको यह सोचने पे मजबूर कर देता है आखिर क्या था यह, क्यों सरकार प्रतिबंध लगा रही है, क्यों यह विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो राजा मान सिंह, ठीक है, राजा हरि सिंह दोस्तों, राजा हरि सिंह थे बहुत पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था या फिर आज़ाद हो गया था, तो उसमें उस समय इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करवाना था, तो भारत करवा तो लिया था, लेकिन कुछ कारणवश पाकिस्तान से और भारत का मनमुटाव था, मतलब कि वहाँ से घुसपैठी और इधर से घुसपैठी थे, तो कुछ सीज फायर हो गया, बीच में ही सीज फायर कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। और बाद में दोनों सेनाएं जहाँ थी उसी जगह अपना घर कर गई, मतलब उसी जगह अपना सीमा बना ली, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। तो कुछ पार्ट जो है पीओके, वह अभी भी हमारा जो पीओके है, मतलब कि कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारा ही था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर साइन हरि सिंह ने किया था, जब हो जाता है सिग्नेचर तो वह भारत में पूरी तरीके से विलय हो गया, लेकिन बाद में कुछ जवाहरलाल नेहरू की नीति थी, वह हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, आप आइएगा प्लेलिस्ट में, एक वीडियो इसी पे बनाया गया है, आखिर क्या कारण थी, जवाहरलाल नेहरू की क्या गलतियाँ थी, और मोदी जी को क्या सुधार करना चाहिए उसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात आते ही लोग के दिमाग में 370 और 35 ए क्या है बिल्कुल जानने के लिए बेताब हो जाते हैं ना। तो इसके तहत याद करेंगे, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली हुई है, विशेष एक स्वायत्तता मिली हुई है, एक विशेष अधिकार का लीजिए मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और 35A के थ्रू जम्मू कश्मीर राज्य को, राज्य के विधानमंडल को अस्थायी निवासी, वहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को परिभाषित करने का एक तरीके से परिभाषित किया गया है 35A में, इसको भी आप नोट करेंगे। ये भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया है, ये दोनों अनुच्छेद जब जोड़ा गया था 1954 में दोस्तों, 1954 के आसपास जब ये जोड़ा गया था, तो यह दोनों सरकार, मतलब कि वहाँ की जो झंडा वगैरह, वहाँ के कानून वगैरह कुछ अलग थे, तो भारत सरकार की सहमति से उसको जोड़ा गया था। तो बाद में हम लोग जानते हैं कि जब कुछ कारणें थी, मतलब कि अभी हाल में 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने कुछ एक्ट लाया, बिल पारित किया 5 अगस्त को, उसको एक्ट के थ्रू जब राष्ट्रपति का मोहर लग गया, तो एक्ट बनने के बाद यह जम्मू कश्मीर अब एक यूटी नहीं रहा, यह दो एक राज्य नहीं रहा, अब दो यूटियों में डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे पहले अकेले जब जम्मू कश्मीर था, लेकिन बाद में इसको अलग करने के बाद 22 ज़िले आ गए जम्मू कश्मीर में, 2 ज़िले चले गए लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे कब इसका, मतलब कि अब तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी घूम सकते हैं, हमारे कहने का मतलब यह था समझाने का कि 19(1) के थ्रू अगर हम लोग सही विचार से घूमने जाते हैं तो हर जगह घूम सकते हैं, लीगल हर तरह, मतलब निवास कर सकते हैं दोस्तों, घूमने का तो इसमें है ना, निवास कर सकते हैं, हर जगह निवास कर सकते हैं, वहाँ पर भी ज़मीन खरीद कर हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ 5 अगस्त 2019 के बाद ही एक तरह से लागू हो पाया, 5 अगस्त 2019 के पहले यह चीज़ नहीं था, 5 अगस्त 2019 के बाद ही हम लोग वहाँ पे भी हम लोग को एक तरह से छूट दे दिया गया, भारत के नागरिकों को वहाँ पे जाकर निवास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ का भी झंडा, अब वह झंडा पहले अलग हुआ करता था, वहाँ का फ्लैग जो हुआ करता था अलग हुआ करता था, लेकिन अब भारतीय झंडा भी वहाँ पे है, इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं 19(1) जो कि हमारे संविधान से हमारे 19 जो आपका यह है स्वतंत्रता का अधिकार में 19(1) के थ्रू 7 आते थे पहले, अब 1 को, च को निकाल दिया गया है, च को निकाला गया, च में क्या था, अच्छा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, मतलब कि यहाँ पे यह छूट दे दिया गया था, संपत्ति आप चाहे जितना अर्जित कर सकते हैं, अर्जन करिए, लूटपाट करिए, मारपीट करिए, कुछ भी करिए, संपत्ति अर्जन करिए, अगर ऐसा दोस्तों हो जाए तो वो सोचिए क्या होगा, हमारे यहाँ जितने भी ब्लैक मनी है सब स्टोर होके होता रहता है, सरकार उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकती फिर, ठीक है। सरकार ब्लैक मनी को तभी हटा सकती है जब उसके लिए कोई प्रावधान हो अलग से, तो बस उसी सब कारण से हमारे संविधान में एक, हमारा संविधान क्योंकि आपको पता है थोड़ा लचीला भी है कठोर भी है, यह हमारे संविधान का एक तरह से गुण है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो उसी के थ्रू सरकार ने 19(1) को निकाल दिया, इसको विधिक अधिकार बना दिया,
पहले यह अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, अनुच्छेद 31 में हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। इसे अनुच्छेद 31 से निकाल कर कहाँ रख दिया गया तो बता देंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हुए हुए यह हुआ था। हटाकर कहाँ रख दिया गया, 300 क, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, डाल दिया गया। अब यह जो है 19(1)(च) के अंतर्गत वो था, अब नहीं है, अब आप लोग इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यह डिसेबल कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए 19(1)(6) मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के आप लोग लिखेंगे, व्यवसाय व व्यापार की स्वतंत्रता हमको देता है सरकार, किसके थ्रू, 19(1)(6) के थ्रू, ठीक है। 19(1)(6) के थ्रू 19 में 6 स्वतंत्रता है हमारी, 6 के अंदर जो 6वां है उसमें व्यवसाय व व्यापार करने की स्वतंत्रता हमको देता सरकार। कहीं भी आप व्यापार करिए, किसी भी राज्य में जाइए, लेकिन वह इल्लीगल नहीं होना चाहिए, वह कह लीजिए कि मानवता के हित में होना चाहिए, ठीक है ना। वही चीज़ नोट में आप डाल के लिख लेंगे नीचे, सार्वजनिक हित के लिए व्यापार कर सकते हैं। अगर आप गलत पाए जाते हैं तो 19(6) जो है उस पर बैन लग सकता है, केवल पर्सनल के लिए। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ें बेच रहे हैं या फिर वैश्य का व्यापार कर रहे हैं, किसी इलीगल तरीके से कोई भी आप व्यापार कर रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें, ठीक है, तो यह प्रतिबंध लगा सकती है सरकार 19(6) को। यह नोट करके आप लोग डाल लेंगे। अब देखिए हम आप लोग का रिवीजन करा देते हैं, जैसा कि पूछता है, बस ध्यान से शॉर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि याद करने का यही तरीका है दोस्तों, पढ़ते रहें रिवीजन करते रहें याद हो जाएगा। 19(1)(क) में क्या था हमारा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डालेंगे, हम बोलेंगे, अगर बोलेंगे तभी जाके हम लोग शांतिपूर्वक कुछ बोलेंगे, बोलते हुए हम लोग क्या करेंगे 19(1)(ख) के थ्रू शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन भी कर सकते हैं, पहले बोले फिर सम्मेलन किए, इस तरह आप लोग याद करेंगे, पहले बोला गया फिर सम्मेलन किया गया। फिर उसके बाद 19(1)(ग) में आ जाता है, फिर अगर बोलने, अगर हमको पहले बोले गए, बोलें फिर सम्मेलन बना है, फिर हम क्या करेंगे, शादी ब्याह संगठन बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी के संघ के साथ अपना मतलब कि क्या करेंगे, कह लीजिए कि एक तरह से उत्साह मनाएंगे, पार्टियां करेंगे, तो पार्टी वगैरह किस में आ जाता है, 19(1)(ग) में आ जाता है। फिर उसके बाद 19(1)(घ), अब देखिए पहले बोला गया, पहले वाक्य अभिव्यक्ति, फिर उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक संगठन निरायुद्ध, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टियां बना सकते हैं। फिर उसके बाद 19(1)(घ) में संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आबादी घूम सकते हैं, कहीं भी पार्टियां बना सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 19(1)(ङ) में यह कहा गया संपूर्ण राज्य क्षेत्र में निवास भी कर सकते हैं, जब घूम सकते हैं तब निवास भी कर सकते हैं, इसको भी आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे। फिर उसके बाद 19(1)(च) को निकाल दिया गया है, 19(1)(च) जब निवास कर सकते हैं, घूमने के बाद निवास कर सकते हैं, निवास करने के बाद व्यवसाय भी हो सकता है, जहाँ पर निवास करेंगे वहाँ पे व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों पढ़ेंगे, बिल्कुल रटना नहीं हमें, रिवीजन के तौर पे इस तरह देखते चलेंगे एक एक ठो पहले, फिर उसके बाद रिवीजन एक बार इधर से रिवीजन करेंगे इधर तक पूरा, बस दोबारा एग्जाम के समय एक बार कॉपी खोल लेंगे, अच्छे से याद होगा, 100% याद होगा दोस्तों, तो मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह पढ़ने की आदत आप लोग डालें और 100% दोस्तों याद होगा, थोड़ा बहुत बुक का हेल्प ले लें, ठीक है। फिर यहाँ से तो बाहर कई क्वेश्चन जाएगा नहीं, क्योंकि हम जो आपका प्री होता है, प्री एग्ज़ाम हम निकलवा देंगे, हम 100% गारंटी लेते हैं किसी भी चीज़ का, यहाँ तक कि NTPC का मेंस, PCS का मेंस यहाँ से पूछा जाएगा, UPSC स्टेट PSC का मेंस पूछा जाएगा। संविधान अगर आप लोग शुरू से देख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और ज्योग्राफी का सेशन भी स्टार्ट है, हिस्ट्री का भी सेशन धमाकेदार स्टार्ट है, मैम आई हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग देखिए उसको आपके सारे लेवल को ध्यान में रखते हुए, और मतलब लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सब कुछ ध्यान में रखते हुए, और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट है, अच्छे से देखिए, धमाकेदार रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ का सेशन स्टार्ट है, इस तरह देखा जाए तो करंट भी सुबह होता है डेली, आप लोग देखें उसको, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।